दोस्तों अभी हम आए हुए हैं जयपुर के जंतर मंतर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जिस स्थान पर अभी हम खड़े हुए हैं ये है सूर्य घड़ी, जो सूर्य के प्रकाश से हमें समय बताती है। वो कैसे हमें समय बताती है हमारे पास हमारे साथ सर हैं, वो हमें बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख ही सकते हैं लिखा हुआ है इस धूप घड़ी का समय स्थानीय समय होगा। इस बोर्ड पर लिखे अंतर मिनट जोड़ने पर भारतीय मानक समय आ जाएगा, यानी कि जो ये समय बताएगी वो जयपुर का स्थानीय जो समय होता है वो बताएगी। और जो नॉर्मली हमारे इंडिया में जो टाइम चलता है वो इलाहाबाद वाला, आप बता रहे थे ना अंकल, इलाहाबाद वाला जो टाइम चलता है उससे 26 मिनट का अंतर होता है। अब ये टाइम हमें पता कैसे चलता है, इसके बारे में थोड़ा सा इसके आर्किटेक्चर समझाइए हमें। देखो यार 10 बजे है ना यहाँ, ये 10 बजे है जी जी जी, और 11 यहाँ बजेगा, 11 यहाँ बजेगा, तो ये 1 आवर हो गया यहाँ से यहाँ तक। बिल्कुल। अब इसके 4 डिवीजन ये 15-15 मिनट में किए हुए हैं। अच्छा। फिर नीचे 5-5 मिनट है। अच्छा। इसके नीचे 1-1 मिनट है। हाँ। और 1 मिनट के 3 डिवीजन और कर दिए 20-20 सेकंड में। अच्छा। अब देखो इसका परछाई यहाँ आ रहा है ना शेडो। हाँ भी हाँ, ये तो 10 बजे यहाँ था। अच्छा, ये तो बज गए 10-15 मिनट पे परछाई यहाँ आई, 10-15 हो गई, 30 पे यहाँ आई, 10-30, 35, हाँ जी 40, हाँ जी, और 41। ओके, अब 41 में 26 और जोड़ दो, 41 में 26 लगभग 11 बज जाएंगे, 67 हो गया ना। हाँ, तो 7 मिनट हो जाएगा 41। हाँ, तो लगभग यानी कि 11:07 अब हो जाएगा। और इधर देख सकते हैं, और अगर हम फोन में देखें तो एग्जैक्ट 11:07 हो रहा है। देखो दोस्तों क्या कमाल का ये यंत्र है। आज से 300 साल पहले महाराजा जयसिंह ने ये इसको बनाया था जयपुर में। और अच्छा, ये तो हो गया इस साइड का, इस साइड का भी कुछ अपना प्रोसेस है क्या? 12 बजे बाद इधर आ जाएगा, उधर एएम हो गया, इधर पीएम हो गया। अच्छा, इधर उधर एएम था और इधर पीएम था, यानी कि 12 बजे के बाद दोपहर के बाद ये धूप की परछाई इधर आ जाती है। 1 बजे ही आएगी और करेक्ट जब 12 बजेंगे कोई परछाई नहीं होगी, दोनों साइड न्यूट्रल होगा, वो 12 बजेंगे सही, 12 बजे मेरिडियन पे आ जाता ना सूर्य। और इधर जो है यहाँ पे 1 2 ये 2 3 4 5 6 बजे तक 3 और ये शाम के 6 बजे तक, उसके बाद सूर्य चला जाता है। तो ये सूर्य के प्रकाश से ही काम करती है घड़ी। जैसे मई जून जुलाई अगस्त ऐसे महीने चलते हैं, सूरज कभी 1 घंटे पहले निकलता है कभी बाद में निकलता, तो क्या वो ये अपना ऑटोमेटिक काम करेक्ट करता रहता है? देखो ये तो घड़ी अपना टाइम करेक्ट बताएगी, लेकिन जो डिफरेंस जोड़ा ना आपने 26 मिनट का, ये फिक्स नहीं रहेगा, ये 10 मिनट से 41 मिनट तक चेंज होता है। हाँ, सीजन के अनुसार। मैं वही पूछना चाह रहा था कि सीजन के अनुसार, क्योंकि सूरज अपना टाइम बदलता रहता है, निकलने का, उगने का, छिपने का, चेंज होता है। तो ये इसका जो जैसे अभी फिलहाल तो 26 मिनट चल रहा है, अब ये धीरे धीरे 25 पे आएगा, फिर 24 पे आएगा, ऐसे 10 मिनट तक जाके फिर उठ के आएगा वापस, फिर 11-12 गैप, लेकिन 10 से 41 के बीच का है ये सन के इंक्लिनेशन चेंज होता है ना, चेंज के अकॉर्डिंग। समर में सन नजदीक आ गया और विंटर में दूर चला जाता है, तो ये जब समर में आपकी 12 बजे छोटी शैडो बनेगी ना जी, और विंटर में लॉन्ग बनेगी। हाँ। इस कैलकुलेशन से डिफरेंस वेरी होगा फिर। ओके, अब ये जो एंगल बना हुआ है जयपुर के लोकेशन पे बनाया हुआ है ना, इसको जयपुर 27 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ में है। अच्छा, इसका जो एंगल है वो 27 डिग्री में बना हुआ है। अब ये 300 साल पहले कैसे पता किया कि जयपुर 27 डिग्री? हाँ, ये भी एक कमाल की बात है। तो इसके लिए ये यंत्र बनाया था, और इसको पॉइंट किया हुआ है, ध्रुव तारा होता है ना, ध्रुव तारा होता है, उसको पॉइंट किया हुआ है। ये छोटे वाला जो यंत्र, ये भी एक यंत्र है। हाँ, ये रात को सबसे पहले ये बना के ये एंगल निकाला ना 27 डिग्री। अच्छा अच्छा, फिर यहाँ से रात को बैठ के यहाँ से देखेंगे ना आंख लगाकर, अगर यहाँ आंख लगाएंगे जो एरो का निशान लगा सामने तारा नजर आएगा वो ध्रुव तारा, ध्रुव तारा यही निकलता है बिल्कुल इसी लाइन में, इसी डिग्री पे, एक ही जगह फिक्स होता है ये। हाँ, वो फिक्स होता है, वो घूमता नहीं है, वो अपना स्थिर रहता है ध्रुव तारा, तो इससे किसी भी जगह की लोकेशन मालूम कर सकते हैं ना। ओके, अभी आप कहीं और से देखेंगे तो एंगल बदल जाएगा उस जगह की लैटिट्यूड। अच्छा, जैसे बताया आपने राजा जयसिंह ने बनवाया ना ये, तो उस समय ये कोई जो आर्किटेक्चर हायर किए होंगे किसी ने, तो ये एक्चुअली खुद ही ग्रेट एस्ट्रोलॉजर था जयसिंह। अच्छा, वो खुद ही एस्ट्रोलॉजर, इसका चीफ आर्किटेक्ट था एक बंगाली था विद्याधर भट्टाचार्य। अच्छा, उसी ने फिर आगे सिटी को भी प्लान किया था जयपुर को, ये जयपुर बसाया तो इसकी कैलकुलेशन से तो बना है। तो ये जयपुर की जो बसावट होगी तो इसका मतलब ये भी एक बहुत सोची समझी तरीके से होगी, पूरा वेल प्लान सिटी, पूरा वेल प्लान सिटी होगा ना ये। ओके, अभी आपने अभी जो घड़ी देखी ना जी 20 सेकंड वाली, हाँ हाँ, इससे इसके 20 सेकंड से वो खुश नहीं था एक्यूरेसी में। अच्छा, तो उसने इसी घड़ी को और बढ़ा करके वहाँ बना दिया, वो भी सेम ऐसी सेम क्लॉक है लेकिन उसको 10 टाइम्स और बड़ा कर दिया। अच्छा, अब उसमें डायल बड़ा हो गया। हम्म, यहाँ 1 मिनट के 3 डिवीजन देखे हमने, ज्यादा होंगे, उधर 1 मिनट के 30 डिवीजन हो गए।
तो दोस्तों ये है वो यंत्र जो सूर्य घड़ी होती है उसका बड़ा आकार कह सकते हैं, कि ये भी देख सकते हैं इसका आकार जो है पीछे की साइड में आप देख सकते हैं वो अर्ध चंद्र आकार का ये बनी हुई है। इसमें और उसमें सिर्फ इतना अंतर है कि इसका साइज थोड़ा बड़ा हुआ है, बड़ा है। तो उस साइज के बड़े होने की वजह से क्या है कि ये जो बीच में आप ये घड़ी के जो बॉक्सेस देख रहे हैं यानी कि जिनसे टाइम का पता चलता है वो थोड़े से ये हर दो सेकंड में एक बॉक्स का यानी कि टाइम ही हर दो सेकंड के बाद बता देता है और उस वाले में हर 20 सेकंड के बाद एक टाइम का पता चलता है। ये इसका अंतर है दोस्तों। ये था आज से 300 साल पहले का गणित जिसके हिसाब से राजा जयसिंह ने ये गजब का कारनामा करके दिखाया है, गजब की क्लॉक करके दिखाई और वास्तव में ये टाइम जो है ये बिल्कुल करेक्ट बताता है जो इनकी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से यदि हम करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।